महाराज हम जब भी प्रश्न लगाते हैं, आज हमारा सीधा प्रश्न है, क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली संकट और बिजली कटौती को देखते हुए विद्युत उत्पादन के लिए नए थर्मल पावर स्टेशन लगाने पर सरकार विचार करेगी। मनोहर, हमने पिछले सत्र में भी ऊर्जा मंत्री जी के सामने बात रखा था, लेकिन और उस समय भी हमने कहा था ऊर्जा मंत्री जी थोड़ा लिखन पढ़न में बहुत तेज है, व्यवहारिक जीवन में बड़ी कठिनाई है। आज जितने माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं, दावे के साथ नहीं कह सकते कि उनके क्षेत्रों में जो रोस्टर है उसके हिसाब से बिजली मिल रही है। अगर आप कहते कहना चाहते हो तो कह दे, मैं सुन लूंगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि आज इतने खराब स्थिति में बिजली विभाग पहुंच गया है, लग ही नहीं रहा कि ऊर्जा मंत्री कोई उत्तर प्रदेश में इस समय है। मानो जिस मंडल से माननीय ऊर्जा मंत्री जी आते हैं, आज आजमगढ़, मऊ, बलिया, आजमगढ़ के अंदर माननीय मंत्री जी आज ओवरलोड ट्रांसफर व्यवस्था होने के कारण ओवरलोड है। आज किसान के धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। यदि आप सरसरी नजर डालें कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, आज मैं सुबह बात करके आया, 10 KV, 25 KV, 63 KV, 100 KV, इनके ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद 10 से 15 दिन लग जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे। आज उसको लेकर के अतरौलिया में, बूढ़नपुर में, सिकौला में, मानवर एहरौला में, जितने आपके उपकेंद्र हैं, सारे उपकेंद्रों पर किसान धरना देने का काम कर रहा है। और रोस्टर के हिसाब से उसे दिन में बिजली मिलनी चाहिए, 4 घंटे भी आज किसान को बिजली नहीं मिल पा रही। मानवर, अगर सरकार चाहे तो कल उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर के यहाँ खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के उनको ज्ञापन दिया कि आज 2 घंटे से भी कम बिजली एहरौला के अंदर मिल रही है। बूढ़नपुर के नगरी नगर पंचायत बनी है, उसके दर्जनों गांव में आज उसको लेकर के पूरे गांव आंदोलित हैं। ऊर्जा मंत्री जी, आपके फीडर ओवरलोड हैं, 5 MVA के जो ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड हैं, जो 33 KV एक ही पावर लाइन पर कई उपकेंद्र हैं वो भी सब हैं। आज अगर देखा जाए मान्यवर, तो बिजली विभाग इतना विद्वान मंत्री के रहते आप तो सब कुछ आउटसोर्सिंग पर रख दिए हैं। आप गुजरात से सीख के आए हैं कि सब कुछ प्राइवेट में देना है। आप मन भी बनाए हैं कि लोग परेशान हो जाएं ताकि ये कहें कि व्यवस्था खराब है और आप चुपके से बिजली का निजीकरण कर दें, इसी काम के लिए आप आए। आपके रहते आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है और किसान और बुनकर परेशान है। मऊ से जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं, मऊ के अंदर भी मैं बात करके आया, आज पूरे के पूरे मिर्जा हाजीपुरा में बुनकर, भीटी में हमारे मुबारकपुर के माननीय विधायक अखिलेश जी बैठे हैं, आज वहां राममूर्ति वर्मा जी बैठे हैं टांडा में, आज लाइट न मिलने के कारण आज बुनकर भी भूपरी के कगार पर पहुंचा। अभी मंत्री जी ने मानवर उत्तर दिया है, भारत सरकार के अपना प्रश्न कर दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार से 4000 MW तापी विद्युत उत्पादन हेतु कोयला लिंकेज आवंटित किए जाने के लिए अनुरोध किया गया है। ये अनुरोध आपका कब तक पूरा होगा? और दूसरा, आप MOU करते जा रहे हैं, उसका परिणाम सार्थक क्या आपके पास आ पा रहा? अभी आप चले जाएंगे कि 2012-17 में क्या हुआ, अरे 2024 में क्या हुआ? संग्रामी, खराब व्यवस्था ने अपना प्रश्न पूछे, देखते हुए आप अपनी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था को आप सुधारने का काम करिए और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को आप खत्म करके परमानेंट नियुक्ति, जब तक आप मीटर रीडर की, लाइनमैन की, सबकी अगर आप परमानेंट नियुक्ति नहीं करेंगे, तब तक आप किसान को, बुनकर को, आम नागरिक को, शहर के, गांव के, समय से आप बिजली नहीं दे पाएंगे। ऊर्जा मंत्री जी, आज से विनम्र अनुरोध है, प्रश्न कर आप उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करिए। आप अभी कहेंगे बबूल, तो मैं आपके लिए कहूंगा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। ये युक्ति आप पर सटीक बैठती है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर कोई सार्थक उत्तर देंगे। प्रश्न पूछा आपने,
माननीय मंत्री जी, वो जो आपका उत्तर है उससे संतुष्ट हो गए। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ। माननीय समरपाल जी, आपसे अनुरोध है कि अभी समय थोड़ा जल्दी जल्दी अपना प्रश्न पूछ लें और सदस्यों को मौका मिल जाए। बोले जी सर, एक चीज माननीय कृषि मंत्री से, आधा मिनट। माननीय मंत्री जी, अगला बुला लिया मैंने, अगला मैंने बुला लिया मंत्री जी। अरे बात मान ली आपकी। माननीय मंत्री जी कृपया, ऐसा हो गया जो उत्तर देके बता। बोले समर जी, बोले। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, वो गन्ना मंत्री जी से। इन्होंने, मैंने कहा था कि गन्ना विकास मंत्री चीनी मिले, ये कितना भुगतान हुआ 5 साल में और कितना शेष है? तो इन्होंने उत्तर दिया है